Dear students, welcome in the lecture on metal nitrocells. Uh, we are just discussing about the metal nitrocells, and these are the lecture series on metal nitrocells. And in the previous lecture, we had discussed about the general introduction, classification, preparation, properties, bonding in metal and ean and 18 electron rule in metal okay so in this lecture we will discuss very important aspect of metal cells that is vibrational spectra एंड द एप्लीकेशन ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स तो प्यारे बच्चों आपका स्वागत है इस मेटल नाइट्रोसिल्स के लेक्चर में जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और आई आर स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स तो जैसे हमने मेटल कार्बोन के केस में भी पढ़ा था पर यहां पर हम और सिम्पलीफाई तरीके से वाइब्रेशनल रिस्पेक्ट ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मेटल नाइट्रोसिल्स की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं ओके इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस लेक्चर्स ऑन मेटल नाइट्रोसिल्स ओके सो दिस इज एक्चुअली दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन मेटल नाइट्रोसिल्स वी विल सी द डिफरेंस बिट्वीन थ्री लीगेंट्स वन इज एन ओ प्लस अनेदर इज सीओ एन दर्ड वन इज सी एन माइनस टेकन दीज थ्री स्पीसीज वाई मैंने ये तीन स्पीसीज ली है क्यों ली है क्योंकि तीनों क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और तीनों ही पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं ओके okay? तो तीनों में दस दस इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो दस इलेक्ट्रॉन एनओ प्लस के पास है सीओ के पास भी दस है और सी एन माइनस के पास भी दस है तो जब इनके पास दस इलेक्ट्रॉन हैं तो इनकी पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी एंड सिग्मा डोनर टेंडेंसी में हम कुछ कंपेरिजन देखेंगे तो सबसे पहले तो ये देखें कि सिग्मा डोनर टेंडेंसी क्या होती है सिग्मा डोनर टेंडेंसी क्या होती है जो जो हैं हैं जनरली ये एक्सेप्टर इनमें दोनों तरीके की ए, ए, एक्टिविटी होती है दोनों तरीके से एक्ट करते हैं दी एक्ट एज लुईस बेस एज वेल एज एस लुईस एसिड अब आपने देखा कि जो कार्बोनिल है या सी एन माइनस है या एनओ प्लस है ये सभी लिगेंड हैं और लिगेंड का काम क्या होता है लिगेंड का काम होता है टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल सेंटर ये सबके सब का क्या आ, क्या काम है सबके सब मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जब होता है तो ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं यानी ये सिग्मा डोनर लिगेंड सिग्मा डोनर टेंडेंसी है इनकी और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ये इनके पास इलेक्ट्रॉन होगा तभी डोनेट करेंगे और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं देन दे आर लुईस बेस तो ये कैसे बेस होंगे लुइस बेस होंगे तो लुइस बेस इन तीनों लिगेंड्स में होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और दूसरा इनकी स्पेशलिटी क्या है ये भी हैं। तो इनकी टेंडेंसी सी हो सीओ हो, हो या एनओ प्लस हो या सी एन माइनस हो तो ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड होने की वजह से मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं अब मेटल से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिसके पास कोई ऐसे एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे जहां पर वो इलेक्ट्रॉन ले, ले तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो इस क्या कहलाती है लुइस एसिड तो इसका मतलब लुइस बेस एज वेल एज एस लुईस एसिड ये लुइस एसिड की तरह भी एक्ट करता है और लुइस बेस की तरह भी एक्ट करता है अब जो इनकी एबिलिटी है लुइस एसिड और लुइस बेस की तरह एक्ट करने की ये जो एबिलिटी है ये डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है देखिए यहां पर आप देखिए एनओ प्लस है सीओ है एंड सी एन माइनस है अगर हम देखेंगे तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है ये माइनस वन में हो रहा है तो जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन सफिशियंट होंगे जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन सफिशियंट होंगे तो इलेक्ट्रॉन सफिशियंट होने की वजह से आप देखेंगे कि ये जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये उतनी आसानी से नहीं करेगा तो लेफ्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो टेंडेंसी है वो भी लेफ्ट टू राइट क्या होगी इनक्रीज होगी लेकिन अगर हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे, जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी कम होती जाएगी तो एनओ की जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है यानी ये इसकी जो लुइस बेस करेक्टरिस्टिक है वो इन तीनों में सबसे कम है क्योंकि इसके इसके पॉजिटिव चार्ज चार्ज है और इसके नेगेटिव चार्ज है 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 और ऊपर ऊपर नेगेटिव के उपर, तो इसकी लुईस बेस टेंडेंसी जो है वो अधिक है। अगर हम इनकी पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी देखें यानी एसिड देखेंटरिस्टिक देखें तो लुइस एसिड किसे कहते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो इन तीनों में आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो किसके पास है प्लस के पास है जिसका ऑक्सी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी अधिक होगी पॉजिटिव चार्ज है और इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सबसे कम होगी तो अगर हम इनका पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी देखें तो सबसे अधिक पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी एनओप्लस की होगी फिर सीओ की होगी फिर सीएन माइनस की होगी जबकि तीनों ही क्या है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं और अगर हम इनकी पाई सिग्मा डोनर टेंडेंसी देखें तो सी एन माइनस सबसे इफेक्टिव सिग्मा डोनर लिगेंड है और एनओ प्लस सबसे कम इफेक्टिव सिग्मा डोनर लिगेंड है तो यहां पर भी मैंने आपको दिखाया कि एल जब मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो वो सिग्मा डोनर की तरह एक्ट करेगा और जब मेटल से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो पाई एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा और ये एल जितना पॉजिटिव होगा जितना पॉजिटिव होगा जितना इसके पास ऑर्बिटल खाली होगा उतनी आसानी से ये मेटल से इलेक्ट्रॉन लेगा और इसकी पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी उतनी ही अधिक होगी इसलिए एनओ प्लस की पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी अधिक होती है तो इफ यू कम्पेयर दी ओ एंड एनओ प्लस अगर हम सी ओ और एनओ प्लस को कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि इनके अगर हम आई आर स्ट्रेचिंग बैंड्स को देखें तो हम ये जानते हैं कि जब मेटल का कार्बोनिल बनेगा या मेटल का जब नाइट्रोसिल फॉर्म होगा तो यहाँ पर आपने देखा था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये, आ, किसके रेजोनेंस हाइब्रिड है इस स्ट्रक्चर का ठीक है तो आपने ये देखा कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो आ, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है या इसका मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर कम हो जाता है तो उस वजह से आपने देखा कि जो फ्री कार्बोनिल का जो एब्जॉर्प्शन बैंड था वो बाइंडेड कार्बोनल से अधिक था यह कम हो गया क्योंकि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया डिक्रीज हो गया ऐसे ही हम नाइट्रोसिल के केस में भी देखेंगे जब हम फ्री नाइट्रोसिल को देखेंगे तो फ्री नाइट्रोसिल 1870 सेंटीमीटर इनवर्स पर अगर एब्जॉर्ब करती है तो जो 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 बाइंडेड नाइट्रोसिल है अगर हम यहां पर देखेंगे तो हम इसको भी ये कह सकते हैं इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं ये रिजन इन्स एवरिड है इसका तो आप देखेंगे जो ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर है वो ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर जो है वो रिड्यूस हो जाता है इसलिए आप देखेंगे कि रेंज जो है फोर्टीन तक चली गई जो एब्जॉपन की है को बच्चों हम ठीक कर लेते हैं इस रेंज को थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूं जो कि सिक्सटीन आप देखेंगे सिक्सटीन नाइनटी तक ये रेंज होगी थर्टी से सिक्सटीन टेन तक ये रेंज है तो आप ये देखेंगे कि ये जब नाइट्रोसिल जो है वो बॉन्ड बना रहा है जब एम एन बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो रिड्यूस हो गया और ये रेंज आप देख सकते हैं सिक्सटीन हंड्रेड टेन तक चलेगी और आप देख रहे हैं जो रिडक्शन है देखिए फ्री नाइट्रोसिल से बाइंडेड नाइट्रोसिल में जो रिडक्शन हो रहा है बहुत अधिक है और यहां पर जो रिडक्शन है वो 1850 तक हो रहा है तो ये उतना रिडक्शन नहीं है जितना रिडक्शन पर है तो ये रिडक्शन इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि जो नाइट्रोसिल था जो एनोप्लस था उसकी टेंडेंसी उसकी टेंडेंसी पाई बॉन्डिंग की अधिक है मतलब ये मेटल से इलेक्ट्रॉन को आसानी से लेगा क्योंकि ये एनोप्लस है इन कंपेरिजन टू सीओ अगर हम सीओ का केस देखेंगे तो यहां पर जो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी है सीओ की ये कम होगी और एनओ NO प्लस की क्या होगी अधिक होगी और जितनी अधिक टेंडेंसी होगी उतना कम क्या होगा ये होगा ये जो मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर है ये उतना ही कम हो जाएगा आपने देखा था जितनी पाई बैक बॉन्डिंग होती है जितनी पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतना लोअर फ्रिक्वेंसी पर ये एब्जॉर्ब करेगा तो यहां पर बैक बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि कार्बोनिल जो है वो और इतना अच्छा पाई एक्सेप्टर नहीं है जितना अच्छा पाई एक्सेप्टर कौन है नाइट्रोसिल है इसलिए ये जो मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर है ये डिग्रीज अधिक है कार्बोनिल से ओके है कि जो वाइब्रेशनल बैंड्स हैं या पोजीशन है जो पीक्स की वो किस तरीके से वेरी करती है अगर ये फ्री नाइट्रोसिल है तो लगभग 1880 के आसपास ये एब्सॉर्ब कर रहा है और अगर ये लीनियर नाइट्रोसिल है देखिए लीनियर नाइट्रोसिल है लीनियर नाइट्रोसिल को हमने कहा कि ये इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं कि एम डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर है ये डिक्रीज हो जाता है और इस डिक्रीज होने की वजह से ये लोअर फ्रिक्वेंसी पे एब्सॉर्ब करती है करता है और अगर बेंट नाइट्रोसिल होगा तो ये जो एनओ होगा ये परमानेंटली आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है और ये और लोअर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा जो नाइट्रोसिल यहां पर है क्योंकि ये बता रहा है कि यहां पर तो ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर है पर उतना मजबूत नहीं है जितना यहां पर था और ये ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये जो फ्रीक्वेंसी है यह हायर फ्रिक्वेंसी पर एब्जॉर्ब कर रहा है जबकि ये जो फ्रिक्वेंसी है ये लोअर पर एब्जॉर्ब कर रहा है क्योंकि परमानेंटली यहां पर क्या है डबल बॉन्ड है इसलिए लोअर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब

स्पेक्ट्रा बताता है वो एनर्जी के बारे में बताता है जो एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाली है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट के अपॉन म्यू के जहां पर म्यू जो है वो फोर्स कॉन्स्टेंट है और केज इज द फोर्स एंड म्यू इज द रिड्यूस्ड मास्यूस्ड तो मास की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेड्यूस मास डिपेंड करता है इन दोनों एटम्स के वेट पर लेकिन ये दोनों एटम हर जगह पर एक से है यहां पर भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है यहां पर भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन है यहां पर भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन है यहां पर भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन है

जैसे जैसे ये फोर्स कॉन्स्टेंट कम होगा स्ट्रेंथ कम होगी ये जो फ्रिक्वेंसी है कम होगी और कम होगी और कम होगी क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं जो फोर्स कांस्टेंट वो सबसे कम है इसलिए ये इसको सबसे कम एनर्जी की जरूरत है इसलिए ये लोअर फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करेगा ओके okay? अब हम देखें कि जो पोजीशन है कौन से फैक्टर्स हैं जो पोजीशन ऑफ पीक्स या बैंडस को इफेक्ट करते हैं नाइट्रोसिल के केस में अगेन जैसे आपने देखा था कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के केस में जो को होते हैं वो अफेक्ट करते हैं जो नाइट्रोसिल के अलावा जो दूसरे लिगेंट प्रेजेंट होंगे वो अफेक्ट करेंगे यानी लिगेंट डोनेशन इफेक्ट जो है वो इफेक्ट करता है पोजीशन को, लिगेंड की अगर बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ देगा और यहाँ देगा तो ये जो मेटल है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा और आप देखेंगे डीलोकलाइजेशन बढ़ेगा पाइप बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी और पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ने से यहां पर जो मल्टीपल बॉन्ड बॉन्ड करेक्टर है वो कम हो जाएगा और इसके कम होने से ये लोअर फ्रिक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करेगा तो लिगेंट डोनेशन इफेक्ट क्या है जितना लिगेंट डोने डोनर इफेक्ट अधिक होगा उतना बैक बॉन्डिंग होगी और उतना ही लोअर फ्रिक्वेंसी पर यह एब्जॉर्ब करेगा चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स अगर देखें चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स हमें बताता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल मेटल एटम तो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंटर तो यहां देखिए एग्जांपल हमने दिया है कि ये आरियो का कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है यहां कोई चार्ज नहीं है देखिए और यहां पर आप देखिए क्रोमियम के ऊपर फोर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है इस कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज है मतलब इस क्रोमियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे अधिक है इस पर कम है और इस आरु पर और कम है क्योंकि इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो जैसे जैसे आपने देखा कि ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है मेटल के ऊपर और मेटल के ऊपर जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को देगा नाइट्रोसिल को और यहां पर जो मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर है दैट विल डिक्रीज क्योंकि पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है और जितना बैक

बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी तो एम अगर होगा तो एम के केस में केवल चार लिगेंट को इसने डोनेट करना है लेकिन अगर हम एम की बात करेंगे तो ये छह लिगेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग कम होगी और यहां पर बैक बॉन्डिंग अधिक होगी तो यहाँ पर क्या होगा लोअर फ्रीक्वेंसी पर करेगा, जबकि पर हायर फ्रिक्वेंसी शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया था मेटल कार्बोनिल्स की वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नाइट्रोसिल में बहुत कम एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हमें जो कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा या आईआर स्पेक्ट्रा के ऊपर है बट एक्सप्लेनेशन इज सेम एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो 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 फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट कर रहे हैं वट आर द एप्लीकेशन ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स तो अगर हम नाइट्रोसिल्स को देखें एक्चुअली जो नाइट्रिक ऑक्साइड है एनओ दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम है ह्यूमन बींग्स हैं वहां पर ये एनओ NO जो है वो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज को uh, बचाता है उसको प्रोटेक्ट करता है uh, क्योंकि इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर इनवेट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड प्रिवेंट स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन तो ये जो है अगर एनओ NO की बायो एवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की संभावना होगी तो बायोलॉजिकल सिस्टम में आप देख रहे हैं नाइट्रोसिल का बड़ा उपयोग है तो मैटर नाइट्रोसिल्स की जो उपयोगिता है वो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में है ड्यू टू तो सिग्नल नेचर ऑफ एनओ तो यहां पर जो यूज किए जाने वाला कॉम्प्लेक्स है वह नाइट्रोप्रोसाइड एन और आपने इससे पहले भी देखा देखिए नाइट्रोपोसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट नाइट्रोपोसाइड सल्फर के टेस्ट में आपने यूज देखा कि किस तरीके से होता है ऐसे ये बायोलॉजिकल सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट है और ये जो नाइट्रोसिल है ये मिक्स्ड नाइट्रोसिल साइनो कॉम्प्लेक्स है जो कि नाइट्रोसिल को रिलीज करता है और ये जो रिलीज एनोलिगेंड है ये क्या करता करता है है हीम प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्सेशन और बाइंड जो, बेंट ज्योमेट्री के थ्रू ये जुड़ता है इसलिए जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है ये यूज किया जाता है वैसोडाइलेटर के फॉर्म में जो कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीटमेंट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं तो इस तरीके से आपने देखा कि मेटल नाइट्रोसिल में स्पेशली जो सोडियम नाइट्रोपोसाइड है इट इज वेरी हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बिकॉज इट कैन ट्रीट द हाई ब्लड प्रेशर ओके इसके अलावा आप जिससे मैंने कहा कि जो जो नाइट्रोप्रोसाइड है वो आपने देखा कि वो टेस्ट में यूज होता है स्पेशली फॉर सल्फर टेस्ट तो डिफरेंट एप्लीकेशन तो मेन जो एप्लीकेशन है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सो लेट्स कंक्लूड आर दिस लेक्चर सो इफ वी कंक्लूड दिस लेक्चर देन वी हैड स्टडी द डिफरेंस इन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ दीज थ्री आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैड्रोन्यूक्लियर लिगेंट्स तो हमने इन तीनों लिगेंट्स का डिफरेंस देख देखा कि ये इनमें से जहां पर नेगेटिव चार्ज अधिक है, है वो अच्छा सिग्मा डोनर होगा और जिस पर पॉजिटिव चार्ज अधिक है, है वो अच्छा पाई एक्सेप्टर होगा इसीलिए जो कार्बोनिल और नाइट्रोसिल के केस के में आप देखेंगे जो नाइट्रोसिल है प्लस है उसके केस में में जो फ्रिक्वेंसी में जो डिक्रीज है वो नाइट्रोसिल के केस में अधिक होता है फिर आपने देखा कि अगर हम फ्री नाइट्रोसिल से ब्रिजिंग नाइट्रोसिल की ओर जाए तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन दॉन्ड ऑर्डर ऑफ एन एन

लोअर uh, फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रोसिल और अगर आप देखेंगे चार्ज तो चार्ज जितना नेगेटिव होगा उतना लोअर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रोसिल एंड आपने एप्लीकेशन देखी मेटल नाइट्रोसिल की कि वो एप्लीकेबल है स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हम देख रहे हैं कि नाइट्रोसेल्स मेटल नाइट्रोसिल्स जो है वो फिनिश हो गए हैं लेक्चर हमारा और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन एंड फोस्फिन एज अ लिगेंड एंड दिस इज ऑल अबाउट द मेटल नाइट्रोसिल्स स्पेशली द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशंस ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स सो थैंक यू वेरी मच